है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्रो एंड न्यू प्रो बंदो, जो जो चैनल पे नए हैं वो बंदे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब एंड या लाइक ठोको एंड या सब्सक्राइब करो एंड या अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हो एंड या जितना भी बैकग्राउंड एंड PNG हम यूज़ करेंगे वो सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस ज़्यादा ना बोलूँगा, चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो ये रहा हमारा फ़ोटो, इसको हम करेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक पे हम शेयर, यहाँ पे हो जाएगा ऑटोडेस्क ऑन एंड इसमें आ जाएगा हमारा फ़ोटो। आप देख सकते हैं गाइस इसमें एकदम भी स्मूथनिंग नहीं है चेहरे में, हल्का फुल्का है नेचुरली। एंड गाइस यहाँ से हम ब्रश को चूज़ कर लेंगे, ये वाला। एंड गाइस इसका हम साइज़ को कर लेंगे कम, फ्लो को हम कर रखेंगे एकदम सोने के बराबर एंड स्किन को आप 19-20 के आसपास रख सकते हैं। एंड यहाँ से इसको कर देंगे बैक एंड यहाँ से हम अपने फेस को स्मूथ करना करेंगे स्टार्ट, धीरे धीरे और हल्के हल्के आराम से, मतलब आपका फ़ोटो गड़बड़ा ना जाए ये आप ध्यान दीजिएगा, और जितना ध्यान देकर बनाइएगा उतना फ़ोटो आपका अच्छा लगेगा। तो गाइस अच्छे तरीके से दाएं बाएं यूज़ करके आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, और जितना अच्छे तरीके से कीजिएगा उतना अच्छा लगेगा दिखने में। और जितना मतलब कभी कभी होता है इंसान को, मतलब कभी इधर चल जाता है कभी उधर चल जाता है, मतलब अच्छे तरीके से करना, ये नहीं कि उगाते जा रहे तो उगाते जा रहे, नहीं, दाएं बाएं यूज़ कीजिएगा, इसको एक डायरेक्शन में यूज़ कीजिएगा तो आपका फ़ोटो ख़राब हो जाएगा, आपका कलर करेक्शन चेहरा का ख़राब हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छी नहीं लगती देखने में। तो आप अच्छे तरीके से हर एक पार्ट्स को देख लीजिएगा कहीं मेरा छूटा तो नहीं है, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से उगा लीजिएगा। एंड अच्छे तरीके से ये आईज, ये देख सकते हैं गाइस कितना स्मूथनिंग आ रहा है हमारे चेहरे पे धीरे धीरे। और एक बात और, हाँ, इस स्मूथनिंग ब्रश को सिर्फ अपने चेहरे पे उगाइएगा, बालों पे उगाइएगा तो बहुत अजीब टाइप का दिखेगा, ब्लडेड हो जाएगा आपका बाल तो अच्छा नहीं दिखेगा, जैसे कि मूछ दाढ़ी वगैरह पे। इसके लिए दूसरा ब्रश का यूज़ कीजिए करना होगा तो। एंड गाइस नाक हो गया, ये हाथ हो गया और ये गर्दन, किसी भी पार्ट्स को मत छोड़िएगा ये ध्यान दीजिएगा। एंड गाइस ये हो गया हमारा फ़ोटो एंड यहाँ से हम कर लेंगे इसको शेयर पे एंड सेव टू डिवाइस एंड इसको कर लेंगे हम सेव, यहाँ पे हो गया। एंड गाइस हम गैलरी में जाएंगे एंड गाइस इस फ़ोटो को हम शेयर करेंगे अपने लाइटरूम बाबा में, तो लाइटरूम बाबा ये रहा, इसको करेंगे यहाँ पे क्लिक, तो ऊपर में देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गया, इसको करेंगे टैप और हमारा फ़ोटो ओपन हो जाएगा लाइटरूम में। देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया स्मूथनिंग आई है। तो इसमें हम अब करेंगे कलर ग्रेडिंग, तो यहाँ से हम ले लेंगे ये वाला सेटिंग सेलेक्टिव टूल एंड यहाँ से प्लस वाला आइकन पे लेके ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे, पहले लेफ्ट साइड से मारेंगे इसको ऐसे एंड यहाँ से इसका टेम्परेचर कर देंगे कम एंड सिचुएशन को बढ़ा लेंगे। एंड गाइस आप देखते रहेगा वीडियो के हिसाब से आप यूज़ कीजिएगा तो कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से होगा। और इसको टिंट को हम कर लेंगे बढ़ा लेंगे एंड इसका सिचुएशन भी बढ़ा लेंगे, देख सकते गाइस थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आने लगा ब्लू और पिंक वाला हमारे फेस पे। और गाइस जो बंदे यार चैनल पे नए हो या सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता तुम्हारा, यार सब्सक्राइब नहीं कर सकते, कम से कम लाइक्स तो कर दो यार, लाइक्स नहीं आता तो मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं करता, हार जाते हैं हम लोग,
इसीलिए लाइक्स कम से कम कर दिया करो। एंड ज़्यादा कुछ नहीं, हाइलाइट्स ओके, शैडो इसका भी हम शैडो बढ़ा लेंगे एंड हाइलाइट्स को थोड़ा सा ये देख सकते हैं। एंड कलर्स में जाने के बाद थोड़ा सा हम पिंक वाले को ले लेंगे एंड और कुछ नहीं है। ये यहाँ पे हो गया एंड डन कर देंगे एंड इसको चलेंगे हम क्लियरिटी बढ़ा लेंगे हल्का सा। एंड गाइस विकनेट दे दीजिएगा एंड मिड पॉइंट एंड फेदर को बढ़ा लीजिएगा एंड कुछ नहीं। एंड साथ में इस वाले ऑप्शन में जाके कलर नॉइज डिटेक्शन को बढ़ा लीजिएगा, ये बहुत अच्छा सेटिंग है। इससे आपका फ़ोटो जहाँ जहाँ कलर से आपका प्रॉब्लम होगा वहाँ कलर्स को बहुत अच्छे तरीके से मर्ज कर देगा ये। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड या इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। गाइस हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।